हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। काफी दिन से इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने का मन था। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर रेंज में चूजिंग द बेस्ट कैमरा इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अलग अलग कैमरा का अलग अलग स्पेशलिटी है। ऑल्सो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक विद इन 1 लाख रुपीज का रेंज का है, वी विल ऑल्सो कंसिडर द कैमराज विच आर स्लाइटली अबव 1 लाख। सो बेसिकली हम इस पर एक बड़ा रेंज को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के हर एक एस्पेक्ट को ध्यान से देख के उसके बाद एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। अच्छा कैमरा लेना अच्छे फोटोज का सोल्यूशन नहीं है। कैमरा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेंस होता है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी को सीख के प्रैक्टिस करना होता है। सो फोटोग्राफी को जानने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना और अपने जॉनर के हिसाब से सुटेबल लेंस लेना और एक्सेसरीज लेना, उसके बाद ये कैमरा का डिसीजन आता है। लेकिन क्योंकि हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, दैट्स द ओनली रीजन दिस पार्ट बिकम सो इम्पोर्टेंट। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि दूसरे फोटोग्राफर का ओपिनियन मुझसे अलग हो। यहाँ पे जो प्राइस मैंने मेंशन किया, दे आर जस्ट अप्रोक्सीमेट, वो बहुत एक्यूरेट प्राइजेस नहीं है एंड इट मे चेंज ओवर टाइम। अपना बजट प्लान करते वक्त कैमरा और लेंस को छोड़ के एटलीस्ट 10-20% आई होप यू कीप इट फॉर एक्सेसरीज। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनन के बारे में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कैमरास है। फर्स्टली वील स्टार्ट विद 77D APS-C कैमरा। क्रॉप सेंसर जो है, एक्चुअली इसका फीचर्स जो है वो सेमी प्रोफेशनल है, लेकिन इसका प्राइस बहुत घट चुका है, मतलब ऑलमोस्ट एंट्री लेवल के कैमरा के रेंज में है। उसका कांस्टेंट कंपैरिजन होता है 80D के साथ। 80D एक और क्रॉप सेंसर है जो 2016 में रिलीज हुआ था, फरवरी 2016। इनका डिटेल कंपैरिजन वीडियो यहाँ पे है, बट मैं ओवरऑल एक आइडिया देता हूँ आपको। एक व्लॉगिंग के लिए 80D को लेके घूमना बहुत मुश्किल है, लेकिन 80D एक बहुत रॉबस्ट और हैवी कैमरा है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि थोड़ा सा हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए वो बहुत सूटेबल हो जाता है। वेरिन जो 77D है उसका फीचर्स भी थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल ही है, लेकिन व्लॉगिंग और थोड़ा सा लाइट फोटोग्राफी और वीडियो के लिए वो सूटेबल है। उसका हर एक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक जो है एक सोलो फोटोग्राफर के लिए बना हुआ है। 80D का रेंज विद किट लेंस क्लोज टू 80,000 आ जाता है, जबकि 77D जो है वो क्लोज टू 50,000 है। बोथ ऑफ दीज आर सुपर हिट कैमरास। उसके बाद एक अपग्रेड आया विच इज 90D, बहुत हाइप था और फरवरी 2019 में रिलीज हुआ। देयर वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ 77D एंड 80D, इन अ वे दोनों को मिक्स करके एक कैमरा बनाया गया था। 80D से महंगा है बट इट इज वर्थ द फीचर्स। 80D का दाम थोड़ा सा कम होता देन 80D वुड हैव बीन अ गुड चॉइस, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ दाम उतना कम हो नहीं रहा है। तो ये 50,000 से 90,000 के रेंज में अगर मैं देखूं, पर्सनली I would either prefer 77D or 90D. Even if you prefer 80D, that's a beautiful camera for sure. लेकिन इन फीचर्स और प्राइसिंग की कॉम्बिनेशन में आई वुड ईदर गो फॉर 77D और 90D। उसके बाद दो ऐसे कैमरास हैं जो किट लेंस के साथ 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर में मिलता है। वन इज EOS RP एंड सेकेंड इज Canon 6D Mark II. जब मैं EOS RP और 6D Mark II को कंपेयर करता हूँ, तो EOS RP में इट हैज बेटर प्रोसेसर, आप एक एक्सटेंडर के साथ सारे DSLR का लेंस यूज कर सकते हो और इनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा होता है, मतलब ऑटो फोकस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। EOS RP में ऑटो फोकस पॉइंट्स इट इज स्प्रेड अक्रॉस द स्क्रीन, जबकि 6D Mark II में वो एक क्लस्टर बन के बीच में रहता है। कनेक्टिविटी फीचर्स बहुत अच्छा है, हेडफोन जैक है एंड इट इज लाइटर इन वेट। 6D Mark II में कुछ छोटा मोटा एडवांटेजेस है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो बैटरी है, लेकिन उन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं एटलीस्ट फीचर्स के मामले में, आई वुड डेफिनेटली गिव इट फॉर EOS RP। तो हमारे पास कैनन में 3 कैमरास है जो मैं रेकमेंड कर सकता हूं। 77D, उसके बाद 90D, उसके बाद आता है एक फुल फ्रेम कैमरा विच इज EOS RP। निकॉन में दे आर नॉट सो वैल्यू फॉर मनी, मतलब अगर फीचर्स को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा महंगा है। अगर आप निकॉन यूजर हो और अगर आप अपग्रेड करने वाले हो, देन इट डजंट मेक सेंस कि आप सारे ये लेंसेस और एक्सेसरीज जो निकॉन के हैं उसको छोड़ के किसी और ब्रांड को शिफ्ट करो। दो कैमरा से 1 लाख के ऊपर, एक D500 जो क्रॉप सेंसर है और एक D750 पुराना कैमरा लेकिन फुल फ्रेम है। अगर आप निकॉन यूजर है तो आप कंफ्यूज्ड रहेंगे विच ऑफ दीज टू शल आई बाय, क्योंकि D500 जो है वो एक नया कैमरा है और उसमें बहुत सारे फीचर्स है। D750 पुराना कैमरा है लेकिन उसका इमेज क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड इट्स अ फुल फ्रेम कैमरा। इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज होंगे तो एक चीज याद रखो, आप ये पर्टिकुलर कैमरा किस लिए बाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फूड फोटोग्राफर हो जिसमें ऑटो फोकस पॉइंट्स और बाकी सब फीचर्स इतना मायने नहीं रखता, आप एक कांस्टेंट कैमरा रखोगे, आप मैनुअल फोकसिंग करोगे, इस तरीके से अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, या हो सकता है कि आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर हो, इंटीरियर फोटोग्राफर हो, जहाँ पे आप ट्राइपॉड रख के आप अपना काम करते हो, आप आराम से मैनुअल फोकसिंग कर सकते हो
ऐसे टाइम पे आप 750 ले सकते हो, या फिर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो, या ऐसे कोई भी जॉनर जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, देन आई थिंक इन दैट केस D500 वुड बी अ गुड चॉइस। बट अगर आपने कोई भी कैमरा अब तक नहीं खरीदा है, देन पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड निकॉन इन दिस पर्टिकुलर रेंज। इसके बाद आता है सोनी। सोनी में दो कैमरास है, सोनी 6400 और सोनी 6600। सोनी 6400 इज गुड एट बोथ फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी, मतलब 4K भी आप अगर शूट कर रहे हो तो 4K का क्वालिटी भी उतना अच्छा है। एक कैमरा था सोनी 6500 जिसमें इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन था, सोनी 6400 में वो नहीं है। 6400 में इमेज स्टेबलाइजेशन डाल के, एक पावरफुल बैटरी डाल के, एक हेडफोन पोर्ट इंक्लूड करके और कुछ छोटे मोटे फीचर्स इंक्लूड करके बनता है सोनी 6600। बेसिकली यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6400 एंड 6500। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 6600 जो है इट विल क्रॉस 1 लाख, और सोनी 6400 का जो वैल्यू है वो 80D 90D के आसपास आता है। 6600 क्रॉप सेंसर का जो वैल्यू है इट इज क्लोज टू द फुल फ्रेम सेंसर्स ऑफ कैनन। बोथ आर गुड कैमरास। अगर आप सोनी यूजर हो देन यू कैन बाय एनी ऑफ दिस कैमरास। अब हमने कैनन को देखा, निकॉन को देखा और सोनी को देखा, सो फॉर नाउ लेट्स कंसिडर कैनन और सोनी। कैनन में हमारे पास 77D है विच आई लाइक्ड, उसके बाद 90D है, 90D भी मुझे अच्छा लगा था, कॉम्बिनेशन ऑफ 80D और 77D। उसके बाद हमारे पास EOS RP है जो 6D Mark II के कंपैरिजन में मुझे अच्छा लगा था, एंड इन सोनी वी हैव 6400 एंड 6600। अब देखना है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। एक कैमरा है निकॉन में जो शूट करते वक्त मैंने मिस कर दिया था, विच इज निकॉन Z50। इट्स अ रियली गुड कैमरा फॉर निकॉन यूजर्स। ये नया कैमरा है एंड यू कैन डेफिनेटली बाई। लेकिन आप कोई भी ब्रांड की कैमरा लेने के लिए रेडी हो, देन आई वुड सजेस्ट 6400। कुछ बातें जो निकॉन Z50 का है वो सोनी 6400 से बेहतर है, ये आपको जानना जरूरी है। Z50 का जो ग्रिप है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। निकॉन Z50 में जो मेन्यू सिस्टम है वो सोनी मेन्यू सिस्टम से ज्यादा अच्छा है। अगर आप एडिटिंग करने में उतना एक्सपर्ट नहीं हो, इसमें निकॉन Z50 कैनन और सोनी के बीच में होगा, मतलब कैनन का पिक्चर क्वालिटी जितना अच्छा नहीं है, बट इट इज डेफिनेटली बेटर देन सोनी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पिक्चर क्वालिटी दैट कम्स राइट आउट ऑफ द कैमरा। पूरा इकोसिस्टम को कंसीडर करते हुए, इफ यू आर अ निकॉन यूजर, Z50 इज अ रियली गुड ऑप्शन। बट इफ यू आर ओपन फॉर एनी ब्रांड, सोनी 6400 इज स्टिल द बेस्ट फॉर दैट प्राइस रेंज। अगर आपको एक बहुत सस्ता कैमरा चाहिए विच इज एक्चुअली गुड, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर 77D कैनन। अगर आपको एक क्रॉप सेंसर DSLR चाहिए एट द रेंज ऑफ अराउंड 80-90,000, देन आई फील 90D इज द बेस्ट। यू डोंट माइंड बाइंग अ DSLR और अ मिररलेस, यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट कैमरा, देन इन कंपैरिजन टू द 90D आई वुड प्रिफर 6400। और जब हम लोग थोड़ा सा हाइयर रेंज में जाते हैं, हमारे पास 6600 है और सोनी EOS RP है। 6600 में 4K वीडियो बहुत स्ट्रांग है, उसमें इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजर भी है, डायनेमिक रेंज काफी अच्छा है, काफी पावरफुल बैटरी भी है। लेकिन जब हम इसको RP के साथ कंपेयर करते हैं, वी आर एक्चुअली गेटिंग ए फुल फ्रेम कैमरा। अगर आप एक सोनी यूजर हो, आप अगर अपग्रेड कर रहे हो, देन 6600 इज गुड। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल टुगेदर ए न्यू कैमरा विथ न्यू एक्सेसरीज एंड लेंस, इन दैट केस RP वुड बी बेटर देन सोनी 6600। सोनी 6600 वुड स्टिल बी दी बेस्ट क्रॉप सेंसर कैमरा अवेलेबल। मैं यूजुअली जब कंपेयर करता हूँ, कैनन निकॉन और सोनी पे ही मेरा कन्फाइंड रहता है, लेकिन इन तीनों में अगर कंपेयर करें, दी बेस्ट क्रॉप सेंसर कैमरा वुड बी सोनी 6600। बट द वैल्यू फॉर मनी क्रॉप सेंसर कैमरा वुड स्टिल बी 6400। और 1 लाख के ऊपर आपको अगर एक फुल फ्रेम कैमरा चाहिए विद पैक्ड फीचर्स, देन आई थिंक इट वुड बी EOS RP। इन सारे कैमरास में अगर मुझे दो कैमरा पिक करना है, आई वुड से सोनी 6400 एंड कैनन EOS RP। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि EOS RP जो है वो काफी अंडररेटेड है, ज्यादा लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। EOS RP हो, 60 Mark II, सोनी 6600, ये सारे कैमरास जो है वो जैसे भी परफॉर्म करें, मुझे लगता है कि वो अंडररेटेड ही होके रह जाएंगे। द ओनली रीजन इज द प्राइस। हम लोग ऑलमोस्ट 1.2 लाख तक आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा कैमरा बेस्ट है। 1.2 के पास थोड़ा पैसा लगा के 1.3 के ऊपर चले जाएंगे, देन वी हैव सोनी A7 III। सोनी A7 III एक बहुत फेमस कैमरा है विद अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। मैं इस पर्टिकुलर रेंज में और इनके साथ उसको कंसिडर भी नहीं करता हूँ, लेकिन प्राइस के मामले में इट्स वेरी क्लोज टू दिस कैमरास, जिसके वजह से लोगों को लगता है अगर हम लोग 1.2 लाख क्रॉस कर ही चुके हैं, 15-20 हज़ार और डाल के सोनी A7 III ले लेते हैं। बट एनीवेज, आई नो काफ़ी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग इतना स्ट्रेच करते हैं हमारा बजट को कि 5-10 हज़ार भी स्ट्रेच करना फिर बहुत मुश्किल होता है। इन दैट केस EOS RP इज़ अ गुड कैमरा। आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द फीचर्स।
वो क्यों करता हूँ वो वीडियो यहाँ पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है। कंसिडरिंग द फीचर्स 6400 एंड USRP आर रियली गुड कैमरास और 77D आपको बहुत कम पैसे में मिल जा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन। टेक केयर।